देखो अभी सबको काफी सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत नाजुक बच्चे हैं, ठीक है, तो सबको थोड़ी परेशानी होती है क्लास अटेंड करने में 8 बजे। तन्मय ट्रैवल कर रहा है क्या? अच्छा, तो अभी मैंने क्या सोचा है कि मैं ना तुम लोग को डेली IIT एडवांस की ना ज्यादा लंबी नहीं, 20 से 25 मिनट की, ठीक है, 25 मिनट की मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, जो कि हमारे IIT एडवांस के टॉपिक के होंगे, ठीक है। जैसे कि क्योंकि तो देखो पता है IIT एडवांस का भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि तो अपने को एकदम टारगेट करना, एकदम आसमान के एकदम एकदम जो टॉप जेनिथ है ना, अपने को वहां तक टारगेट करना है। मैं ना हर दिन तुम लोग के लिए कुछ 20 से 25 मिनट की वीडियो अपलोड करूंगा, मैं उस वीडियो में बोल दूंगा कि ये पेज नंबर का मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो तुम्हारे पास बुक है ना तुम बुक लेकर के बैठो, ठीक है, और वहां पे सब टॉपिक लिखे होंगे, उसमें से मैं 20 से 25 मिनट की वीडियो करवाने के बाद उसमें से मैं तुम लोग को उसी वीडियो में ही मैं तुम लोग को ना 2-3 क्वेश्चन अपने एडवांस की बुक से दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमारे इसके किताब के हैं, क्या कहते हैं, नीट के हैं, तो मैं उस बता दूंगा कि देखो इसमें से ही है, ठीक है। ये वीडियो दोनों को भी देखनी है, क्या कहते हैं, सब बच्चों को देखनी है। और हाँ, जो मैं टॉपिक बताऊंगा ना उस पर करवाऊंगा, तो मे भी तुमको हो सकता है नीट के बच्चों को उसपे से क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, बाकी तुमको अपने मॉड्यूल से ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को जो भी डाउट होगा, ठीक है, वो डाउट्स में तुम लोग मेरे को मैसेज कर दोगे, अगर लगेगा कि नहीं मेजर डाउट है, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक वीडियो दी तुमको समझ में नहीं आई, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ठीक है, और जहां पर भी तुमको डाउट होगा तुम वो पूछ लोगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि क्लास में तुमको हर चीज में डाउट आता ही रहता है, ठीक है, कहीं भी इक्का दुक्का डाउट होगा तो डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है, और इसी के तुम लोग को भी इश्यू नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। हाँ, सबको सबको देखनी है, ठीक है, नॉलेज जहां से मिले ना तुम याद रखना, जैसे का तुम लोग को नॉलेज कब कहाँ पे काम आ जाए ना कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, इसलिए सबको देखना। और दूसरी बात, मेरे को ना इस वीडियो का तुम लोग को नोट्स बना के भेजना बिल्कुल कंपलसरी होगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि मैं बार बार फोन कर रहा हूँ कि नोट्स भेजो नोट्स भेजो, ऐसा नहीं, ठीक है, बिकॉज मुझे पता कैसे चलेगा कि तुमने देखी है कि नहीं देखी है, ठीक है, इसलिए तुमको उसके नोट्स बना के भेजना मेरे बिल्कुल कंपलसरी है। बाकी तुम वीडियो कभी भी देखो, तुम्हारी मर्जी है, तुमको देखना रात के 12 बजे देखो, तुम सुबह 4 बजे देखो, तुम शाम के 6 बजे देखो, ठीक है, लेकिन देखना जरूरी है, तुम कोई भी टाइम पे देखो, क्लियर। तो ये तुम लोग का अब से मैं, और देखो मैं बताऊँ, ऐसा मत सोचना कि मेरे पास कोई रिकॉर्डेड वीडियो पहले से ही है, लॉकडाउन इसी साल लगा है, ठीक है, 2020 पे लगा है, उसके पहले के मैं थोड़ी कोई रिकॉर्डिंग लेकर के बैठा हूँ। तो अगर मैं तुमको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ या मैं तुम्हारे ऑनलाइन वीडियो बनाता हूँ, मेरे को दोनों में कोई एफर्ट में कोई डिफरेंस नहीं मेरे लिए, मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ना ताकि तुम लोग को जो परेशानी होती है, कभी किसी को कोई टाइप में परेशानी, कभी किसी को कोई टाइप में परेशानी है, तुम लोग वो टाइम की परेशानी से बच सको, ठीक है, और तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने क्या कहते हैं, आराम के हिसाब से तुम देख सकते हो, ठीक है। ऐसा अगर तुम मुझे सामने से बोलोगे कि नहीं सर आप लोग हमारा ये टाइम फिक्स कर दो, हम लोग को लाइव में ही पढ़ना है, ठीक है, तो मैं वैसा कर दूंगा, ठीक है, ये एंटायरली तुम्हारी मर्जी पर है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग वाला कंसेप्ट इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि तुम कोई भी समय में बैठ कर उस चीज को देख सको, अगर तुमको प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे को बता दो, फिर मेरे को उस समय उसके अकॉर्डिंग मेरे को 8 बजे ही टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज उसके पहले टाइम कहाँ से मैं निकालू बताओ, ठीक है, कभी तुम्हारा केमिस्ट्री होता है, कभी कुछ बच्चों का मैथ्स होता है, ठीक है, तो कुछ बच्चों का दूसरे टीचर के साथ मैथ्स होता है, ठीक है, तो कभी किसी का कोई स्कूल का कुछ होता है, ठीक है, कभी कोई बाहर गया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे फिर मेरे लिए कॉमन टाइम एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए जो मैंने बताया तुम लोग को अपने को वैसे फॉलो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और बाकी अगर तुमको प्रॉब्लम होगी तो फिर 8 बजे अपने क्लास स्टार्ट, अपने हमेशा के क्लास का टाइमर सेट कर दूंगा, ठीक है। अपने आज पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोग कर रहे थे आपने हीट चैप्टर कंटिन्यू चला था, ठीक है, क्या कहते हैं इसका, बोर्ड का प्लस सीट, और याद रखना जब मैं तुमको पढ़ाता हूँ ना, ठीक है, तो जो रेगुलर क्लास हम लोग की होती है ट्यूजडे की, थर्सडे की, सैटरडे की, संडे की, ठीक है, इसमें मैं तुम लोग को बोर्ड प्लस नीट तक का पढ़ाता हूँ, इसमें मेंस का भी थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग का उसमें चल रहा था हीट चैप्टर,
हीट में मैं तुम लोग को एक बार छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिसमें कि हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कंडक्शन की, जो चर्चा थी हम बिल्कुल डिटेल में कर रहे थे। मैंने बताया था कि एक रॉड होती है, उस रॉड में से जो हीट का फ्लो होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो, दैट वॉज गिवन बाय के ए टी वन माइनस टी टू बाय एल, ठीक है। ये एच क्या था यहाँ पे, रेट ऑफ हीट फ्लो, मतलब कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है एक सेकेंड में, जूल पर सेकेंड इसका यूनिट था। ये था थर्मल कंडक्टिविटी, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, के ज्यादा होता है, वो आसानी से हीट को फ्लो करने देता है। ए था एरिया, बड़ा एरिया होगा हीट ज्यादा फ्लो करेगी। घर में कुछ काम करते होगे तो पता होगा कि जब हम कपड़े को सुखाते तो उसको फैला के सुखाते, एरिया बढ़ जाता है। लेंथ अगर बड़ी होगी तो उससे रेट ऑफ हीट फ्लो कैसा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। लंबी रॉड को पकड़ लो, ठीक है, शॉर्ट रॉड को पकड़ो, ठीक है, दोनों को दूसरे का दूसरा एंड डाल दो आग में। लंबी रॉड जो पकड़ के होगा वो पकड़ा है पकड़ा पकड़ा उसको पता भी नहीं चलेगा, तो छोटी रॉड पकड़ता है उसको बहुत जल्दी पता चलता है ना, ठीक है। करछी वर्छी के हैंडल देखा, करछी के हैंडल लंबे होते हैं इसी वजह से, ठीक है। चम्मच से चाय को हिलाओ देखो फटा गर्म लगता है, वही करछी से हिलाओ रॉड लंबी डंडी होती है गर्म कम लगता है। टी वन माइनस टी टू हो जाता है टेम्परेचर डिफरेंस, क्लियर, ये इस तरह से हो। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने ये जो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमने वहां पे पढ़ा था स्टेडी स्टेट पढ़ा था। मैंने बोला था कि स्टेडी स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिसके हर पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है समय के साथ बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है। होता सबका अलग अलग, जैसे मान लो इसका 100 है, इसका 90 है, इसका 80 है, इसका 70 है, इसका 60 है, ऐसे करके अलग अलग पॉइंट के टेम्परेचर तो अलग अलग होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो टाइम के साथ वैरी नहीं करता, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। उसके बाद फिर तुम लोग के साथ मैंने डिस्कस किया था कि तुम लोग को अगर कोई भी पॉइंट का अगर मान लो इसका टेम्परेचर अगर मान लो है टी वन, इसका टेम्परेचर टी टू है, ठीक है, हमको कोई भी पॉइंट का टेम्परेचर निकालने के लिए बोला जाए यहाँ पे, तो टी नॉट उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट यूज रखे कि दोनों की रेट ऑफ हीट फ्लो कैसा हो रहा था, कांस्टेंट था। फिर मैंने तुम लोग डिस्कस किया था, ग्राफ भी डिस्कस किया था कि ये ग्राफ ऐसा था, एक वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ पे टी एच, यहाँ पे टी एल, एच मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर, एल मतलब लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वेरिएशन किसके साथ था, एक्स के साथ था, जैसे जैसे एक्स वेरी करता था, ठीक है, एक्स मतलब ये ओरिजिन ले लोगे और एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, तो टेम्परेचर उसके साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या टेम्परेचर जो होता है ना, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ना, जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, घटता है और स्टार्ट होता है टी एस से एंड होता है टी एल पे। ये ग्राफ हमने सीखा था, कभी कभी एग्जाम में चार ऑप्शन दे देंगे ग्राफ चूज करने के बोला जाएगा, ठीक है, तो तुम ग्राफ देख के पहचान सकते हो। उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेडी स्टेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट, ठीक है। हम जो कहानी ज्यादा पढ़ते हैं वो स्टेडी स्टेट के बाद पढ़ते हैं, लेकिन हमको अनस्टेडी स्टेट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बताया था तुम लोग को, ये रॉड है, ठीक है, हाँ, यूनिफॉर्म रॉड के लिए, अगर नहीं अगर पता है अगर तुम्हारा रॉड अगर ऐसे भी हो ना, अगर ऐसे भी रॉड हो तो भी वेरिएशन जो होता है वो यूनिफॉर्म ही होता है, ठीक है, वेरिएशन में कोई फर्क नहीं आता है, वो तो भी ऐसे इसके लिए भी सेम ही आएगा क्राफ्ट सर। पर अगर ऐसा हो कि स्टार्टिंग में पतला और बीच में मोटा, लास्ट में पतला, तो बीच में फिर तो कम गर्म होगा ना? नहीं नहीं नहीं, तो भी क्या होता है जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है ना, ठीक है, दैट शुड बी सेम। सुनो उसको हम लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है, वो वाला एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, उसके लिए ऐसे करके एक रॉड है, ठीक है, इसमें ना हमसे पूछा जाएगा रेट ऑफ हीट फ्लो के लिए हमसे पूछा जाएगा, तो उसका जैसा इक्वेशन बनेगा ना हम इक्वेशन से देख लेंगे, क्योंकि तो ऐसे मैं कुछ बोल दूं वो इक्वेशन से समझ में आएगा अपने को, ठीक है। ये वाला हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन,
अभी क्या बोला गया कि यहाँ पर एक ऐसे रॉड है, ठीक है, एक क्या था, ये 200 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये रॉड थी ऐसे 20 डिग्री सेल्सियस की, रूम टेम्परेचर पे रॉड है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रॉड है, हमने क्या किया, रॉड को यहाँ पे लाके रख दिया 20 डिग्री सेल्सियस। जो तुमको मैंने कहानी पूरी सुनाई थी स्टेडी स्टेट की, ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने सिखाया था के ए टी वन माइनस टी टू बाय एल, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, ये फॉर्मूला तब वैलिड था जब हम बहुत समय के बाद देखते, 20 डिग्री सेल्सियस की रॉड हमने यहाँ पे लाके सेट कर दी, ठीक है, फिर हम जाके सो गए, एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा, छह घंटा, आठ घंटा बीता, ठीक है, हम आते हैं तो ये रॉड उस समय कैसी होती है, स्टेडी स्टेट में होती है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते। लेकिन स्टेडी स्टेट में आने से पहले होता क्या है, सुना ध्यान से, 20 डिग्री सेल्सियस की रॉड यहाँ पे लाके रखते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे, इसका टेम्परेचर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करके इसका टेम्परेचर क्या होता है, वो इंक्रीज करता है, ठीक है, विद टाइम। और इसका जो होता है ना, फिर इसका जो टेम्परेचर था, इसका भी 20 था, इसका भी बढ़ता 20, 30, इसका 20 से बढ़ते बढ़ते 8-10 घंटे बीतते और 200 पे आ जाता है। इसका 20 था, 20, 30, 40, 50, 60, बढ़ते टाइम बढ़ा 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 8 घंटे बाद 180 पे आ गया। इसका 20 था, इसका भी पहले 20, 30, 40, 50, 60 बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, 160 पे आ गया। 20, 30, 40, 50, 60 बढ़ते 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 140 पे आ गए, बढ़ते 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 120 पे आ गए, ठीक है, बढ़ते 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 इसका 100 पे आ गया। तो ये टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, क्लियर, ये बढ़ रहा होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, ठीक है, बढ़ते बढ़ते हर पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो अपना अपना कॉन्स्टेंट हो जाता है। जब तक कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, तब तक की जो स्टेट होती है ना उसको हम कहते हैं अनस्टेडी स्टेट। अगर हमने यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा दिया तो यहाँ पे जो थर्मामीटर होगा इसका मर्क्यूरी का लेवल शुरू में तो बढ़ रहा होगा, ठीक है, बढ़ते 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 180 पे पहुंच गया, इसका बढ़ते बढ़ते 160 पे पहुंच गया, इसका बढ़ते बढ़ते 140 पे बढ़ गया। जब तक ये बढ़ रहा है लेवल मर्क्यूरी का, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब वो स्टेट कौन सा होता है, अनस्टेडी स्टेट होता है। अनस्टेडी स्टेट में अलग अलग जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है, टाइम के साथ राइज कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज अनस्टेडी स्टेट। क्लियर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेडी स्टेट। अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस के फॉर्म में लिखूंगा ना तुम लोग को हमेशा के लिए याद रहेगा। टेम्परेचर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन डज नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर समय के साथ चेंज नहीं करेगा, अलग अलग का अलग अलग होगा, ठीक बात है, लेकिन एक का जो है टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। टेम्परेचर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन changes with time, ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब देखो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अब आगे देखो कि अगर चीज तुमको, ये चीज तुमको अगर फील करनी है, विजुअलाइज करनी है, यहाँ पे क्या करो, थर्मामीटर लगा दो और थर्मामीटर का मर्क्यूरी लेवल बढ़ रहा है अगर, ठीक है, बढ़ रहा है मतलब अनस्टेडी स्टेट है, ठीक है, अब बढ़ना बंद हो गया समय के साथ, मतलब कौन सा स्टेट है, स्टेडी स्टेट है, ठीक है, और ये सबका लगाओगे ना, सबका लेवल स्टेडी स्टेट में सबका लेवल कैसा होता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है, और ये लेवल ऐसा दिखता है हमको, ठीक है, ऐसे। अब देखो जब हम स्टेडी स्टेट में आ जाते हैं तो रॉड जो होती किसी कोई भी तरह की हीट को खाती नहीं है, खाती नहीं मतलब रॉड हीट को कंज्यूम नहीं करती, ठीक है, जैसे हमारा स्टेडी स्टेट आ गया 200, 180, 160, ठीक है, स्टेडी स्टेट आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जितनी ही रॉड को यहाँ से हीट लेगा वो उतनी हीट यहाँ पे जाकर के वो दे देगा, यहाँ से हीट लेगा वो, यहाँ से हीट दे देगा वो, ठीक है। स्टेडी स्टेट में कुछ ऐसी कहानी होती है, हीट लेगा, हीट देगा, रॉड अपनी जेब में एक भी रुपए का हीट नहीं डालेगी। लेकिन जब अनस्टेडी स्टेट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस था, सबका 20-20 था,
ठीक है, क्योंकि रॉड बीच की थी। तो शुरू में क्या था, 20 से टेम्परेचर बढ़ा था ना, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 180, 20, 30, 40, 160, 20, 30, 40, 140, ठीक है, 20 क्या कहते हैं, 20, 30, 40, 120, ठीक है। तो रॉड इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो रॉड हीट ले रही थी, यहाँ भी रॉड हीट ले रही थी, ठीक है, यहाँ भी रॉड हीट ले रही थी, यहाँ भी रॉड हीट ले रही थी। तो जब स्टेडी स्टेट होता है ना, जैसे रॉड 8-10 घंटे बाद स्टेडी स्टेट में पहुंच गई, फिर रॉड का काम एक ही है, हीट लो हीट दो, ठीक है, हीट लो हीट दो, खुद कुछ मत खाओ, ठीक है। एक बार रॉड का, ठीक है, पेट भर गया, ठीक है, हीट खाते खाते अब वो और हीट नहीं लेगी। लेकिन जो अनस्टेडी स्टेट होता है, ठीक है, अनस्टेडी स्टेट में क्या होता है, रॉड जो हीट लेती है थोड़ी खुद खाती है, थोड़ी आगे पास करती है, ठीक है। शुरू के 8 घंटे तक की, जब तक की अनस्टेडी स्टेट नहीं जब तक की स्टेडी स्टेट नहीं पहुंचता है, रॉड अनस्टेडी स्टेट में होती है, वो अपने भी हीट थोड़ी थोड़ी खाती रहती है, ठीक है, क्लियर। और याद रखना, ये जो रॉड है ना, इसका पेट का साइज अलग अलग है, यहाँ पर इसका पेट बड़ा, यहाँ पे इसका पेट छोटा, यहाँ पे इसका पेट छोटा, यहाँ पे इसका पेट, तो यहाँ पे ज्यादा हीट खाती है, यहाँ पे कम हीट खाती है, यहाँ पे और कम हीट खाती है, यहाँ पे और कम हीट खाती है, ठीक है। तो अनस्टेडी स्टेट में क्या होता है, रॉड हीट खाती रहती है, स्टेडी स्टेट में रॉड हीट नहीं खाती। और तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टेडी स्टेट में रॉड डज नॉट कंज्यूम एनर्जी, ठीक है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, रॉड कंज्यूम्स एनर्जी, फुल स्टॉप, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन कंज्यूम्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसका पेट बड़ा होता चलता है, ज्यादा हीट खाती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, अलग अलग तब ना टेम्परेचर ज्यादा राइज हो रहा है यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, लास्ट पॉइंट, लास्ट, रॉड कंज्यूम्स एनर्जी, रॉड एनर्जी कंज्यूम करती है, ठीक है, डिफरेंट, देखो रॉड मैंने क्या बताया कि देखो समझ, जब तक कि रॉड अनस्टेडी स्टेट में है, पहले इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है। तो टेम्परेचर अगर हर पॉइंट का बढ़ रहा है अनस्टेडी स्टेट में, तो टेम्परेचर किसी चीज का जब बढ़ता है तो वो हीट लेता है कि नहीं लेता है, हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है। तो अनस्टेडी स्टेट में अगर वो हीट, टेम्परेचर बढ़ा तो हीट ले रहा है, इसका मतलब, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, रॉड कंज्यूम्स एनर्जी। लेकिन जब स्टेडी स्टेट हो जाता है ना, तो क्या होता है, फिर रॉड एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि जब स्टेडी स्टेट आ जाता है, सब इसका टेम्परेचर, इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, 180 का 180 है, तुम 8 घंटे बाद देखिए 180 है, तुम 80 घंटे बाद आके देखे 180 है, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, तो क्या ये वाला क्रॉस सेक्शन एनर्जी लिया, हाँ या ना? नहीं। इन द सेम वे इसका 160 160 ही रहेगा, इसका 140, तो एनर्जी ले ही नहीं रहा ना। तो स्टेडी स्टेट पहुंचने के बाद रॉड कोई भी तरह की एनर्जी नहीं लेगा, उसका काम होगा एनर्जी ले लो और एनर्जी दे दो, ठीक है, क्लियर, वो बस एक मीडिएटर है, ठीक है, ऐसा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एज्यूम डिफरेंट एनर्जी, बिकॉज इसका टेम्परेचर 20 से 180 पहुंचा है, इसका 20 से 160 पहुंचा, तो अलग अलग एनर्जी कंज्यूम करता है, बिकॉज ये मैंने लिखा हो, समझ में आ गया तुमको सर? अलग अलग वाला समझ नहीं आया, देखो ना यहाँ पे इसका टेम्परेचर, पूरी रॉड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, हमने यहाँ पे लाके सेट किया, इसका 20 से कितना बढ़ के हो गया, 160 हो गया बढ़ करके, इसमें कितना राइज हो गया, इसमें 20 से बढ़ के 160 हो गया, 140 का राइज हुआ, इसमें 20 से बढ़ के 140 हो गया, तो 120 का राइज हुआ, सब में जो टेम्परेचर है अलग अलग का हो रहा है, यस या नो? हाँ सर।
तो अगर टेम्परेचर आइज अगर अलग अलग हो रहा है तो हमने हीट का फॉर्मूला एमसी डेल्टा टी लिखा था, अगर डेल्टा टी अलग अलग है तो क्यू भी तो अलग अलग होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, तो इसलिए अलग अलग क्रॉस सेक्शन अलग अलग हीट ले रहा है कि सेम ले रहा है? अलग अलग, बस हो गया, समझ आ गई बात का? इस दो डिफरेंस को लिख लो, ठीक है? कभी स्टडी स्टडी से भूलोगे नहीं। मैंने एक कार्टून की याद आ रही है, उस कार्टून में क्या था एक्चुअली, ये ना कुछ हकीकत बताई गई थी इंडिया की, ठीक है? उस कार्टून में क्या था कि एक ना एक ऐसे करके एक ऊपर ना ऐसे टैप लगा हुआ था पानी का, ठीक है? ऐसे करके टैप था पानी का, और यहाँ से ना पानी बह रहा था, और यहाँ पे ना अलग अलग लेवल के लोग दिखाए गए थे ऐसा, मतलब ऊपर में था एक पॉलिटिशियन था, नीचे में कॉरपोरेट हाउस वाला था, फिर उसके नीचे ना मतलब मिडिल क्लास लोग थे, फिर उसके नीचे ना ऐसे गरीब लोग थे, ठीक है? मतलब जैसे मेरे टाइप के, ठीक है? तो ऊपर से क्या ऐसे पानी आ रहा था, तो मतलब ऊपर में पानी सबसे ज्यादा पी रहा था मतलब पॉलिटिशियन, उससे कम कॉर्पोरेट वाले, उससे कम बिजनेसमैन वाले, और सबसे कम फिर जो सबसे पुअर लोग कैटेगरी। तो उसमें भी दिखाता है कि यहाँ पर भी मतलब कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था कि देखो सबसे नजदीक ही है, ठीक है, पॉलिटिशियन हो गया, ये कॉर्पोरेट हो गया, ठीक है, लो टेम्परेचर है, यहाँ पे फिर बिजनेसमैन हो गया, फिर यहाँ पे सबसे पुअर मैन हो गया, कुछ ऐसी कहानी वहां पे भी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉग। एनालॉग के जरिए हमको थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा। हाँ, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ना? अपने क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन होंगे कि ऐसे हम लोग यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आइस रख दिया है, तो बताओ यहाँ से आइस कितनी देर के बाद मेल्ट होगी, टाइम टेकन टू मेल्ट आइस, ठीक है? तो हम लोग सीधी सी बात है, रेट ऑफ हीट फ्लो को मल्टीप्लाई करते टाइम के साथ और ML कर देंगे, ठीक है? अभी उस समय पे हम लोग आएंगे अभी, ठीक है? होता है स्टेट चेंज होता है, उस पर भी हम लोग उस क्वेश्चन पे आएंगे। एनालॉग, एनालॉग में हम लोग थोड़ा सा रॉड वाले क्वेश्चंस कर, रॉड के हम बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग ना इसके सारे के सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनालॉग देखो यहाँ पे क्या होता है, हमको ना एक यहाँ पे एक टर्म सीखना है, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है, जैसे मान लो कि रॉड है, तो हमको पता है कि स्टील की रॉड जो होती है आसानी से हीट को फ्लो करने देती है, फिर से हीट पास कर जाएगी, ठीक है? वही अगर हमने क्या कहते हैं, अगर हमने ले ली, अगर मान लो एक लकड़ी ले ली, ठीक है, उससे हीट पास करवाएंगे तो धीरे 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 हीट पास होती है, ठीक है? तो लकड़ी से हीट पास ही होती है, ठीक है? क्योंकि लकड़ी का हम क्या बोलते हैं कि लकड़ी हीट को पास ही होने देती है, तो हम कहते हैं उसका थर्मल रेजिस्टेंस कैसा होता है, ज्यादा होता है। लकड़ी को हीट दोगे, लकड़ी एक एंड में पकड़ोगे तो दूसरे एंड तक की हीट नहीं फिर होती है, एक ही जगह पर हीट पूरी जमा होती चली जाती है, इसलिए लकड़ी जल्दी जल जाती है, आयरन आसानी से पास होने देती है। तो हम कहते हैं आयरन का जो तो थर्मल रेजिस्टेंस है वो कम होता है, लकड़ी का थर्मल रेजिस्टेंस कैसा होता है, ज्यादा होता है। जो हीट को फ्लो नहीं करने देता उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है? अब याद करो, तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ के रखा था, ठीक है, कि जो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट होती है, वहां पे हमने सीखा था कि टर्म था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसे होता है वैसे क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस होता है। और हमने अभी जस्ट फॉर्मूला देखा कि हीट करंट का फॉर्मूला था के ए डेल्टा टी बाय बाय एल, ठीक है? तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एच इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय एल अपॉन के ए, इसको मैंने नीचे भेज दिया। ये हमारा था हीट चैप्टर का फॉर्मूला। अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाए, ठीक है, तो हम याद करें अपने पुरानी बातों को, क्लास 10th वाली बातों को, तो वहां तुमने सीखा था इलेक्ट्रिसिटी में एक करंट का फॉर्मूला था आई इक्वल्स टू
वी बाय आर, डेल्टा वी बाय आर, यहाँ वी डेल्टा वी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, 2 वोल्ट है यहाँ पे 4 वोल्ट है, डिफरेंस कितने का, या 6 वोल्ट है, डिफरेंस कितने का हो गया, 4 वोल्ट का हो गया, डेल्टा वी बाय आर। आई को हम लिखते थे डेल्टा वी बाय, रेजिस्टेंस को लिखते थे रो एल बाय, यहाँ रो क्या था, रेजिस्टिविटी था। आई को लिखा जाएगा डेल्टा वी बाय एल बाय सिग्मा ए, ठीक है, ये क्या था, कंडक्टिविटी था। तो बिल्कुल कहानी तुम देखो ना अगर, ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले जो है ना एक दूसरे कजन ही है, ठीक है, एकदम देखने में देखो एकदम सिमिलर लग रहे ना, ये फॉर्मूले को देखो और इस फॉर्मूले क्लास के बाद फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मैंने बताया था ना एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो कि हमको ये बताती है कि उसपे से हीट का फ्लो कैसा होगा, फास्ट होगा कि स्लो होगा। जैसे कि अगर बात की जाए आयरन की, स्टील की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, उससे हीट आसानी से फ्लो करता है, ठीक है, वुड की कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है, तो इससे सिंपल एक कॉन्स्टेंट होता है, जैसे कैसे था, सरफेस टेंशन होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, ज्यादा फोर्स होगा, हर प्रॉपर्टी की अपनी कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ना भाई, के भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मोर द के फास्टर विल द हीट फ्लो, क्लियर, ठीक है। अब ये क्या, यहाँ पे ये थर्मल इलेक्ट्रिकल, समझ में आ गया ना, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है, और ये क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अगर मैं ध्यान से देखो ये डेल्टा वी, याद करो ओम्स लॉ में जो हम लिखते थे, ये चीज क्या थी, ये चीज होती है आर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर हम यहां पर देखें तो क्या हम इसको यहां से देख करके, ठीक है, कंपैरिजन करके ये हम इसको बोल सकते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। देखने में देखो दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है, डेल्टा टी डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, एल एल, ए ए, सिग्मा थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये होता है थर्मल, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ पर होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ आई बात। तो याद रखना जब तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ठीक है, ये चैप्टर के साथ साथ तुमको थोड़ी बहुत नॉलेज इलेक्ट्रिक करंट का रिविजन भी हो रहा है, ठीक है। हमने क्या देखा था कि सुना ध्यान से, हमने देखा है कि जैसे हमारे हीट चैप्टर में होता है टेम्परेचर डिफरेंस, वैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में होता था पोटेंशियल डिफरेंस, हीट चैप्टर में हमारे पास होता है हीट करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमारे पास था इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हीट चैप्टर में हमारे पास होता है थर्मल रेजिस्टेंस, हीट चैप्टर में हमारे पास होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, मोर द थर्मल कंडक्टिविटी मतलब उसकी वो ज्यादा अच्छा हीट का कंडक्टर होगा। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देता है, और इन जनरल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी का कारण होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वो ज्यादा ज्यादा हीट कैरी करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा, जनरली जिसके लिए के ज्यादा होता है उसके लिए सिग्मा भी ज्यादा होता है, ठीक है। चलो उसके बाद जैसे हमारे हीट चैप्टर में होता है थर्मल रेजिस्टेंस, वैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, वहां पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था एल बाय सिग्मा ए, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो जाता है एल बाय के ए, वहां पे हम सिग्मा यूज करते हैं, यहाँ पे हम के यूज करते हैं, इस के का तुमको नाम पता है, इस सिग्मा का तुमको नाम पता है, ठीक है, फटाफट इतना जल्दी से ये फॉर्मूले को नोट कर जाना है, ठीक है, हमेशा क्लियर कि व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस, तो एल बाय के ए, कभी कभी एग्जाम में लेंथ एरिया के ये सब दे देते हैं, फिर तुमको पूछा जाएगा तो तुम उसको लिख सकते हो, इसको फटाफट सबको नोट कर लो।
ठीक है ना, आगे बढ़े, ठीक है, दिस इज द मेन फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, एक काम करें, क्वेश्चन सॉल्व करते हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक स्लैब ऑफ स्टोन है जिसका एरिया हमको दिया गया 0.36 मीटर स्क्वायर, इसकी हमको थिकनेस दी गई है, मतलब लेंथ 0.1 मीटर, ठीक है। इसको यहाँ पे एक एंड जो है ना यहाँ पे रखा, इसका यहाँ पे रखा गया है स्टीम में एक्सपोज कर दिया गया, ठीक है, मतलब यहाँ स्टीम है, ठीक है, पर भी तो पता ही सबको स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ब्लॉक ऑफ आइस रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्लैब, यहाँ बोला गया यहाँ पे आइस रखी गई है, ठीक है, आइस है, ठीक है, और ये आइस जो है ना सबको पता 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है, टीम है, आइस है, एरिया तुमको दिया गया, लेंथ दिया गया, एरिया मतलब ये जो एरिया पार्ट हो जाएगा, ठीक है, जो सामने का जो है ना ऐसे के, इसका अगर हम फिगर देखे ना तो ये ऐसा होता है, ठीक है, ये वाला एरिया 0.2 बना, यहाँ पे ना आइस का मास कितना 4.8 kg है। तो बताना है कि हमको ये जो के जो होगा रॉड के लिए क्या है, ठीक है, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमको देके रखा हुआ है (10^5 J/kg). तो के क्या है, कंडक्टिविटी, हमारे सामने ऑप्शन दिया गया है 1.24, दूसरा है 1.29, तीसरा है 2.05, चौथा है 1.02, ठीक है, सबके साथ लगा हुआ है जूल पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये तो यूनिट तुमको सब में ये दिया हुआ, ठीक है, हमने इसका शॉर्ट यूनिट ही पढ़ा था ना, जूल पर वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो तुमको, तुम्हारे सामने चार ऑप्शन है, ठीक है, तो बताओ इसके लिए के क्या होगा। और भी कुछ लिखा यहाँ पे क्या, हाँ, और टाइम लिखा हुआ है कि जितने में आइस बने वो 1 आवर है, 1 घंटे पर पूरी की पूरी 4.8 kg आइस जो है मेल्ट कर जाएगी ना। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर है, हीट का फ्लो ऐसे होगा, तो 1 घंटा हम तक हमने उसको ऐसा रखा, ठीक है, स्टेडी स्टेट हो गया, उसके हमने 1 घंटे बाद रखा इसको, और ये पूरा पूरा आइस मेल्ट कर जाता है 4.8 kg 1 घंटे में मेल्ट कर जाता है। मतलब इस स्लैब का के क्या होगा, याद रखना है कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m × L, ठीक है, जो ये लेगा, एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये आएगा, और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, m k a T1 - T2 / L, ये क्या था, हीट करंट होता है, इनटू टाइम कर दो, ये टाइम करेंगे ना, तो ये m × L के इक्वल आएगा। फटाफट खाली वैल्यू को पुट करो, देखो आंसर क्या आता है, क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और तब तक ये सब सॉल्व करके निकालो, और लॉजिक सबको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे हीट फ्लो का हम दो तरीके से निकाल दें, एक तो हीट फ्लो मतलब आइस ने कितना हीट लिया, ठीक है, और आइस कितना हीट लेगी, मतलब कितना हीट यहाँ से फ्लो किया उतना हीट लेगी ना, पाइप है, पाइप से पानी जाता है तो कितना भराता है पानी, ये हो गया हीट करंट इनटू टाइम, दैट इज अ हीट फ्लो, एंड हीट टेकन इज m × L, इक्वेट कर दो के निकालो। ओके,
देखो सबका आंसर आना चाहिए, खाली कैलकुलेशन है, ठीक है, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, सबका आना चाहिए। वन तो ऑप्शन, अच्छा वन है, 1.4।